costa tornare a pregare. जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये पंजा है। हाँ मैंने जानबूझ। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। हाँ। ओके। हाँ। आपने सही कहा। टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। करेक्ट। मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया है। उसके लिए तुम्हारी मदद मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया है लेकिन रजनी उसके लिए तुम्हारी मदद लगेगी प्लीज मेरी मदद करो ये आइडिया कब आया देव आपने सही कहा तेरी उंगली से ही घी निकलता है यस सही कहा मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया है रजनी लेकिन उसके लिए तुम्हारी मदद लगी प्लीज मेरी मदद करो शौकत दीदी की जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ फैमिली का हिस्सा जो है थैंक यू ओके सही कहा था उंगली टेढ़ी करने से घी निकलता है मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया है लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी यस शौकत दीदी की जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ वो एक फैमिली का हिस्सा है थैंक यू मेरी बात तो सुन शान शान मुझे तुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है I need a reason. क्योंकि वो मैथ्यू अलग आदमी है
ये इन्फॉर्मेशन काफी नहीं, मुझे और डिटेल। प्रदीप को कैसे समझाऊं? समझ लो कि कुछ फॉल्ट है उसमें, कुछ तकलीफ है। माँ ना सॉरी कैसे समझो, उसे कैसे समझेगा? समझो कि वो कट कट सॉरी सर वन मोर सॉरी 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 इनको कैसे समझो, कैसे समझेगी ये? समझो कि वो अलग अलग है, हम सबसे अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। वो माँ का लाडला है, जो कर समझ लो कि वो अलग है, हम सबसे अलग है। वो माँ का लाडला है जो बिगड़ रखने को कैसे समझो, कैसे समझेगी? वो अलग अलग है, वो माँ का लाडला है जो बिगड़ गया, उसका पॉइंट भी अलग है। वो घोड़ी नहीं घोड़ी चढ़ेगा। शोभता से उसकी शादी हुई ना तो शोभता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम हो, मैं इस घर का सदस्य हूँ, शांति ना प्यार करता हूँ, मेरा भाई है, इस घर का बुरा नहीं जा सकता मैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये टूट जाए। प्लीज प्लीज हेल्प मी। ओके शोभता मेरी ननंद है, मैं इस घर आदर्श बहू हूँ। आदर्श बहू अपनी ननंद की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देती। मैं सबको शादी टूटने के लिए कहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, तुम ही मुझे समझ सकती हो, मेरी बात तो कोई मानना नहीं है। परिदेव मैं सबसे बात जरूर करूंगी।